अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माफीनामे पर अभी बवाल थमा भी नहीं था, जब उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से भी कह दिया है कि मुझे माफ कर दो। केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से भी माफी मांगी है, जिस पर एक बार फिर आप में संग्राम छिड़ना तय है। पंजाब दिल्ली के चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, अरविंद केजरीवाल ने रैलियों में बीजेपी कांग्रेस समेत सभी सत्तारूढ़ पार्टियों को जमकर कोसा, पर उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये बयान उनके गले की हड्डी बन जाएंगे। दूसरों पर आरोप लगाने के चक्कर में उन्हें खुद ही अदालतों के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। अब इस फेर से बचने के लिए वो माफी अभियान पर निकल पड़े हैं, जिसमें उन्होंने अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया से माफी मांग ली है। वही अब दूसरा माफीनामा कांग्रेस और बीजेपी के नाम भेजा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भ्रष्ट बताने और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल पर पद का दुरुपयोग करने के आरोप पर खेद जताया है। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर कहा कि हम सभी राजनीति में हैं और कभी मेरी किसी टिप्पणी से आपको दुख पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं। केजरीवाल के इस माफीनामे को गडकरी और सिब्बल दोनों ने कबूल कर लिया है, लेकिन आपके नेताओं को ये गले नहीं उतर रहा, इसीलिए उन्होंने फिर कहा है कि ये क्या कर रहे हैं सीएम साहब। डीवी लाइव की रिपोर्ट।